प्रदेश में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश धार जिले में हुई, जिससे कुक्षी के नीसरपुर क्षेत्र के सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने खंडवा बड़ौदा नेशनल हाईवे पर जाम कर घर के सामान और मवेशियों को रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कुक्षी के नीसरपुर क्षेत्र में, जो सरदार सरोवर बांध के डूब में आता है, यहां कई गांव भी डूब गए, जिसमें नीसरपुर, बाजरी खेड़ा, चंदन खेड़ी, डेहर, मलवाड़ा सहित दर्जनों गांव के सैकड़ों परिवार है। हालात ये हो चले हैं कि घरों में पानी भर जाने से ग्रामीण जान बचाने के लिए सड़क पर दिन रात निकल रहे हैं। के द्वारा नेशनल बड़ौदा हाईवे मार्ग को जाम कर दिया गया है। आज इनकी व्यथा सुनने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोड को जाम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं घरों का सामान निकल कर लोग अपने अपने हिसाब से ले जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रशासन यहां पर पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में 24 घंटे पहले यहाँ पर बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट घोषित हुआ था, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर पर कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जिनसे इन प्रभावितों को, पीड़ितों को किसी प्रकार की व्यवस्था मिल पाए। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, हम इनसे भी चर्चा करेंगे, कहाँ की रहने वाली है और क्या पीड़ा है। ये महिलाएं अपने मां बच्चों को, अपने मवेशियों को लेकर आज यहाँ पर रोड मजबूर है। आप देख सकते हैं किस तरह के हालात निर्मित हुए हैं। ये प्रशासन का फेलियर है, जिन्होंने 136 मीटर लेवल था और 24 घंटे का रेड अलर्ट घोषित किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई कर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। अपना नाम बता दीजिए मैम, क्या समस्या है आपके यहाँ? घरों का सामान निकाल गाँव, मतलब आपके यहाँ पर रात में कोई प्रशासन ने वाहन भेजा था? अभी आपके पास घरों का सामान आप निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? आप देख सकते हैं महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी यहाँ पर रोड पर आने को मजबूर हुए हैं और ये नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया इन लोगों के द्वारा। लेकिन आगामी दिनों में और भी बारिश का अलर्ट है। देखना होगा कि हालात बद से बदतर और किस तरह से हालात बनते हैं, क्योंकि आज अभी जो हालात है यहाँ पर बच्चे रात भर से, कल से भूखे प्यासे, यहाँ पर सभी लोग भूखे प्यासे हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है? गोकुल सिंह सिसोदिया। तो क्या हालात है आपके गांव में? भूखे मर रहे हैं, पानी मतलब भर गए हैं। इसी तरह के हालात यहाँ इस एक गांव के नहीं, आसपास के कई गांव में हालात ऐसे बन चुके हैं, क्योंकि नर्मदा डूब क्षेत्र में 138.68 मीटर लेवल बांध का लेवल है, लेकिन आज जो पानी भरा है, आज जो पानी की स्थिति है वो 142 मीटर के करीब है और आगे और 1 से 1.5 मीटर बढ़ने की, अगर इस तरह की बारिश चली तो 1 से 1.5 मीटर बढ़ने की। दरअसल प्रदेश में सबसे अधिक धार जिले में बारिश हुई है, जिससे हालात यह हो चुके हैं कि इंसान अपनी और मवेशियों की जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। वहीं अति भारी वर्षा से क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर पर लगी फसलें भी जलमग्न हो गई। वहीं बात करें प्रशासन और नर्मदा घाटी विभाग की, तो मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बावजूद आपदा प्रबंधन की कोई तैयारी पूर्व से नहीं होने के कारण हालात काबू से बाहर हो गए हैं। सरदार सरोवर का पानी कल से गांव में घुसना प्रारंभ हुआ था और पानी जैसे छोड़ रहे थे वैसे ही हमारे द्वारा गांव में भ्रमण किया गया SDRF की टीम के साथ में, और लोगों को बताया भी गया है कि पानी छोड़ा जा रहा है, आप सतर्क रहें। और शाम से बस गांव में पानी घुसना प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर अभी तक हमारे द्वारा रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। निरंतर रेस्क्यू की जा रही है, कम से कम 10 से 12 अपने घंटे से निरंतर चल रहा है ये कार्य। और NVDA की जो भी अपने टेंडर हुए थे, तदनुसार लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और कम से कम 20 से 22 आइसर और शेष पिकअप लगी हुई है, लगातार लोगों को रेस्क्यू करके संबंधित स्कूल या अपने धर्मशाला उसमें शिफ्ट किया जा रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है निसरपुर में, जैसे मॉडल स्कूल और मांगलिक भवन, और इसी प्रकार अन्य गाँवों में भी इसी प्रकार स्कूलों और भवनों का व्यवस्था की जा रही है। कई गांव की ये स्थिति है, जब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान 24 घंटे का रेड अलर्ट किया था, उसके बाद भी प्रशासन मुस्तैद नहीं हो पाया, व्यवस्थाएं नहीं कर पाया,
वाहनों की व्यवस्थाएं भी आनंद फानंद में की गई है सर? हाँ, ये बात सही है, आनंद फानंद में की गई है वाहनों की व्यवस्था, क्योंकि अचानक पानी बढ़ा है उसके कारण ही आनंद फानंद में व्यवस्था की गई है। दो घंटे में सभी व्यवस्था हमको जुटानी पड़ी है और निरंतर उसके लिए प्रयास नहीं किया गया, ये बात सही है, किंतु आनंद फानंद में व्यवस्था करके हमने बहुत कुछ काम करने का प्रयास किया है। मौसम विभाग का अलर्ट था, मौसम विभाग का अलर्ट था ये बात सही है, किंतु ऊपर से जब पानी इतना छोड़ा जाएगा ऐसे हमें संज्ञान में नहीं था, और नीचे से सरदार सरोवर से जितना ऊपर से पानी आ रहा है उतना नीचे से नहीं छोड़ा जा रहा, इसके वजह से पानी बढ़ा है और शेष जो निरंतर ऊपर से पानी गिर रहा है उसके कारण भी नर्मदा नदी में पानी का जलस्तर निरंतर बढ़ा है, उस कारण भी बैक वाटर की स्थिति निरंतर आगे बढ़ी है, उसको कम करने के लिए हमने प्रयास किया। बहरहाल देखना होगा कि बारिश पर ब्रेक कब तक लग पाता है और जिला प्रशासन ग्रामीणों को कब तक सुरक्षित स्थान पर ले जाने में कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, कुक्षी।